गांधी जी के विचार जो हैं वो लोगों के सामने रखे जाएं, वो बहुत ही बेहतरीन सुझाव था प्रधानमंत्री जी का। देखिए, नेत्र सबके पास होते हैं, नज़र सबके पास नहीं होती। हम सबके पास नेत्र हैं, लेकिन दृष्टि देने का काम, नज़र देने का काम आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से किया है, आई थिंक जिस तरह से वो हमारे लिए वक्त भी निकालते हैं और हमें समझते हैं कि हम लोग देश को इन्फ्लुएंस करने में, एक उसको एक दिशा देने में बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकते हैं। गांधी जी के विचारों पर फिर से जाने का न्योता उन्होंने हमें दिया है। पर्सनली हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मिलके आपको, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है सबको। ये वो लोग हैं जिनकी वैल्यू बहुत बाद में भी समझ में आती है कि क्या कर रहे हैं। जो राम का उद्देश्य था वही मोदी जी का उद्देश्य है। Ladies and gentlemen, please give a huge round of applause for Prime Minister Narendra Modi. Please welcome Honorable Prime Minister. It's my privilege and pleasure to welcome Honorable Prime Minister to this special program. आइए गांधी जी के 150वें जन्मदिवस पर उनके विचारों को अपने अंदर जिंदा रखें। आप सबका स्वागत है। आपकी दुनिया से मेरा नाता तो बहुत दूर दूर का भी नहीं है। मैंने कहा यार गांधी 150 के संबंध में कुछ करना चाहिए। राजू ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने सबको जोड़ा और आप सबने समय दिया। जब देश और दुनिया के लोग इसके माध्यम से गांधी को जब अनुभव करेंगे तभी आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा जी, जिसका शायद आपको अंदाज नहीं होगा। और गांधी बहुत सरल है, कहीं पर भी ले जाना है तो गांधी बहुत सरल है। गांधी के माध्यम से आप जा सकते हैं। उन्होंने देश भर के गणमान्य इस क्षेत्र के लोग हैं जिन्होंने साधना की है। हमारे छन्नूलाल जी जैसे बड़े अपने अपने क्षेत्र के माहिर लोग हैं, उन सबको इकट्ठा किया। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कुछ आपके अनुभव, आपको क्या लग रहा है, कुछ आपके मन के कुछ सुझाव हो तो वो भी मैं सुनना चाहता हूँ। गांधी जी के विचार यकीनन इतने महान हैं, इतने गहरे हैं और उनमें इतनी संवेदनशीलता है कि यकीनन उनके विचारों को लोगों के सामने रखना, दुनिया के सामने रखना, आज के नौजवानों के सामने रखना, ये बहुत ही ज़रूरी काम है, बहुत ही अहम काम है और आपने इसमें पहल ली, उसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। हर क्रिएटिव इंसान जो है वो अपने काम के ज़रिए इस बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग एक्सरसाइज में योगदान दे सकता है। थैंक यू सर, आपने हमको यहाँ पर बुलाया उसके लिए। अमूमन एक्टर्स टाइम पर नहीं आते और एक जगह तो कभी इकट्ठे नहीं होते, तो इस फिल्म की वजह से, आपकी वजह से हम लोगों में थोड़ा सा गांधी जी की वजह से थोड़ी दोस्ती हो गई। मैं और आमिर गले भी लगे तो प्यार बढ़ रहा है हमारा। तो आई ट्रूली बिलीव दैट गांधी जी नीड्स टू बी रीलोडेड। गांधी जी 2.0 इज व्हाट वी नीड। जब एक साल पहले आपसे, एक डेढ़ साल पहले मिले थे तो हमें लगता था कि हम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की नेशन बिल्डिंग भी हमारे थ्रू हो सकता है ये आपने दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब ये फिल्म हमने सोची तो मैंने जिसको फ़ोन किया इमीडिएटली सबने सपोर्ट किया और कहा कि ये बहुत अच्छा आइडिया, चेंज विद इन। सारे के सारे लोग एक ही दिन आ गए और हमने बड़ी जल्दी से फिल्म बनाई और इतना खूबसूरत सपोर्ट मिला और मुझे लगता है कि अब हम लोग इस किस्म की आने वाले दिनों में कई फिल्में बनाएंगे। हमें रोबोट पैदा नहीं करने हैं, हमें इंसान पैदा करने हैं और इंसान पैदा करने के जो सबसे सरल रास्ते हैं उसमें आपकी दुनिया है जो भीतर के इंसान को बाहर निकालती है। And we all are motivated by it. और इसका असर दिखेगा आपको एक साल डेढ़ साल बाने में। बाबू का बहुत अच्छा, बहुत हो गए।
साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। एक नागरिक के वास्ते आई शुड बी वेरी कॉन्शियस वेदर आई एम डूइंग थिंग्स प्रॉपरली आर नॉट, अनलेस द पॉपुलेशन द पीपल कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट नथिंग विल हैपन। गांधी जी के जो विचार हैं वो जितने उस वक्त रेलेवेंट थे उतने ही आज भी रेलेवेंट हैं और उतने ही आगे चल के भी रेलेवेंट रहेंगे। फिर से लेना है। हमारे बच्चे को पहले छुट्टी यही दिखाते हैं। आप ही के लिए है भाई। और क्या हाल है भाई? गाड़ी दो गाड़ी है।